ये दो तस्वीरें आप देखिए जरा, सीधा टकराव पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में चल रहा है। कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है अभी वहां पर दरअसल ये सारा घमासान जारी है। बड़ी देर तक पुलिस बैरिकेड पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को कभी टियर गैस के जरिए कभी वाटर कैनन के जरिए हटाती रही, लेकिन जब उधर से कुछ लोगों ने पत्थर चलाने शुरू किए या जब पुलिस को लगा कि अब इनको हटाने का वक्त आ गया है तो फिर पुलिस ने आगे मार्च किया और फिर लाठी चार्ज किया प्रदर्शनकारियों पर और फिर इनको दूर तक खदेड़ा है। अब लेकिन क्या ये वापस पलट कर आते हैं प्रदर्शनकारी, क्या नवन्ना पहुंचने में कामयाब होते हैं, देखना होगा। क्या चाहते हैं, जो मांग लेकर आए हैं? हम लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप, हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए, मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे, क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? आज हम लोगों के पास एक ही नारा। ओंकार प्रसाद के पास चलते हैं, ओंकार सरकार के पास। ओंकार, आप दिखा रहे थे तस्वीरों में लाठी चार्ज कर रही थी पुलिस, दिखाइए विजुअल्स। जी देखिए, इस वक्त हम लोग है एमजी रोड में और एमजी रोड में देखिए यहाँ पर बैरिकेड जितने भी किए हुए थे सब बैरिकेड को तोड़फोड़ कर दी गई है प्रदर्शनकारियों के तरफ से। यहाँ पर बैरिकेड लगाई गई थी और इस बैरिकेड के जरिए ये रास्ता आखिर ठीक सुरक्षित रहे, इसी के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड लगाई गई थी, लेकिन ये भी तोड़फोड़ की कर दी गई है। और यहाँ पर पुलिस एमजी रोड से लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जैसे कि देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार ईंटे भी फेंका जा रहा है, ईंटे पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। तो कोलकाता पुलिस के जितने भी अधिकारी है वो धीरे धीरे एमजी रोड के ऊपर पूरा रास्ता अपने हवाले लेने के लिए कोशिश में जुटे हुए हैं और कोलकाता पुलिस के अधिकारी धीरे धीरे ये ट्राम लाइन होते हुए सीधा एमजी रोड होते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि सामने ही प्रदर्शनकारी का एक भारी प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है, तो उनको तितर बितर करने के लिए कोलकाता पुलिस की तरफ से अभी लाठियां चलाई जा रही है और टीयर गैस भी छोड़ी जा रही है। और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी देखा गया है कि पत्थर और ईंटे पुलिस को लक्ष्य करते हुए वो लोग लगातार फेंक रहे हैं। और यहाँ से ये तस्वीरें भी मैंने दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर काफी सारे बैरिकेड लगे हुए थे, जो बैरिकेडें तोड़ दी गई है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है और पुलिस यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको तितर बितर करने का जो प्रयास है वो प्रयास में लगी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रास्ते के ऊपर एमजी रोड के ऊपर एक बैरिकेड लगाया गया था, लेकिन वो बैरिकेड भी तोड़ दिया गया है प्रदर्शनकारियों के तरफ से और प्रदर्शनकारी और आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। ठीक है, आ रहा हूँ आपके पास दोबारा, फिर एक बार मनीष प्रसाद के पास चलेंगे, वहां कुछ और हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मनीष प्रसाद, सौरभ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल वो पत्थरबाजी वहां से होने लगी है और मेरे ठीक आगे इस समय कोलकाता पुलिस के जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो हैं। सामने तस्वीरों में आप देखें तो वहां पर उग्र प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग पत्थर फेंक रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। ये दूसरी तरफ देखिए, देखिए तस्वीरों में पत्थरबाजी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि जो कोलकाता पुलिस है वो अब इनको खदेड़ना चाहती है, क्योंकि जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कहा जा रहा था वो इस समय अलग ही दिशा में चला गया है। हाथों में सबसे आगे डंडा लिए हुए, ये दरअसल बैरिकेड का डंडा है, जो बैरिकेड लगाया गया था यहाँ पर, सामने जो बैरिकेड था वो पूरी तरह से तोड़ा गया और फिर उसके बाद जो वहाँ पर आगे की भीड़ में करीबन आपको 10 से 15 जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से इस पत्थर के साथ साथ यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है। यहाँ तक कि शेल्स कॉन्टिन्यूस फायर किए जा रहे हैं ताकि उसके मिर्ची के इफेक्ट से वो पीछे की तरफ हो जाए। और ये देखिए एक बार फिर से तेजी के साथ पत्थर फेंकते हुए ये सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, वो प्रदर्शनकारी जो उग्र प्रदर्शन का हिस्सा हो गए हैं अब, और जो पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई थी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो उग्र रूप में आ गई है। और एक बार फिर से शेल फायर किया गया, शेल फायर करने के साथ साथ जो भीड़ है उसको पीछे खदेड़ने की एक कोशिश है। तो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन से के कैमरे से एक एक तस्वीरें ली जा रही है कि कौन कौन प्रदर्शनकारी है और हमें ये बताया गया। ये देखिए एक बार फिर से पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के साथ साथ
यहाँ पर जो लोग हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि वो देखिए एक बार फिर से देखिए जहां जहां पर भी प्रदर्शनकारियों को पकड़ पा रही है पुलिस, उनको पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है इनको। तो पुलिस अब सख्ती कर रही है, पुलिस इनको यहां से सड़कों से हटाना चाहती है किसी भी कीमत पर। এইখানে আমরা পিসফুল প্রোটেস্ট করছিলাম, সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশন আছে, পিসফুল প্রোটেস্টের দেখে আপনারা লাঠি চার্জ করবেন না। তা সত্ত্বেও কোমর ভেঙে দিয়েছে লাঠি চার্জ করে, তারপরে তাদেরকে হসপিটালে আমরা এতক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছি তাদেরকে কখনো হসপিটালে নিয়ে যাচ্ছে না, ওইখানে পড়ে রয়েছে, আমরা তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, আর একজনকে অ্যারেস্ট করেছে আমাদেরকে। কেন, কিসের জন্যে? পিসফুল প্রোটেস্ট শুনি এইভাবে জনগণতন্ত্রের এইভাবে জনগণের মুখে আটকে রাখতে পারে না। ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने लाठियां चलाई, बोलिए बोलिए, और वो अपना नबन्ना अभियान जो है उसको जारी रखेंगे। जो महिला प्रदर्शनकारी थी उनको भी अब जो है महिला पुलिस, कोलकाता पुलिस वो डिटेन कर रही है। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि टकराव अभी भी है, सामने छात्र हैं, उनमें से कुछ पत्थरबाजी भी कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। अफरा तफरी इस वक्त कोलकाता की इस प्राइम एरिया है हावड़ा ब्रिज के आसपास, पूरी तरीके से वहां आपको अफरा तफरी दिखाई देगी। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने ज्यादा बल प्रयोग किया, अगर अत्याचार किया इन छात्रों के ऊपर, तो कल हम पूरे बंगाल का चक्का जाम कर देंगे। क्या कोलकाता पुलिस ने आज के इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से काबू में कर लिया है, या अभी भी ऐसे कई और जगह टकराव की स्थिति है? एक बार फिर मनीष प्रसाद के पास हम चलेंगे, पुलिस पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों पर हावी पड़ती हुई दिखाई दी अभी तक। मनीष, ओंकार, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, वहां इतनी ज्यादा अफरा तफरी है कि रिपोर्टर्स कई बार डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ओंकार सरकार, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बोलें। देखिए, कोलकाता पुलिस के भारी मात्रा में पुलिस फोर्स अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और उनके हाथों में आंसू के गोले के जो बंदूक है वो बंदूक भी है, और आगे में यानी कि एमजी रोड से सेंट्रल एवेन्यू के कनेक्टर पे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको हटाने के लिए, उनको तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए सभी पुलिस अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हवाओं में भी अभी ये आंसू के गोले के जो झाज है वो नजर आ रही है, और कुछ देर पहले यहाँ पर इसी ऐसे किस्म के पत्थरों से जो प्रदर्शनकारी आए थे वो पुलिस को पुलिस की तरफ वो फेंक रहे थे ऐसे ही पत्थर। तो पुलिस अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको खदेड़ने के लिए पुलिस अभी तैयार हो चुकी है, क्योंकि पहले कुछ समय तक देखा गया है कि पुलिस वाटर कैनन की इस्तेमाल करके या फिर आंसू के गोले इस्तेमाल करके वो करके भी तितर बितर नहीं कर पाए, तो पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, और इस वक्त प्रिजन वैन भी लाया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से, एक नहीं एक और दो, यहाँ पर दूसरा प्रिजन वैन भी पहुंच चुके हैं, और इस प्रिजन वैन के माध्यम से ही जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको अपने हिफाजत में लेंगे पुलिस। तो पुलिस यहाँ पर जैसे कि देखा गया है यहाँ पर बैरिकेड जितनी हुई थी वो बैरिकेड तोड़ी गई है, और बैरिकेड तोड़कर पुलिस अभी इस जगह में पहुंच चुके हैं। ये जो एमजी रोड है जो रास्ता सीधा सेंट्रल एवेन्यू की तरफ जाते हैं, तो उसी रास्ते पे पुलिस अभी पहुंच चुकी है, और लाठियां भी काफी बरसाई जा रही है जितनी भी प्रदर्शनकारियां है उनके ऊपर, और पूरे जगह का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो अपने कंट्रोल में रखने चाहती है पुलिस, क्योंकि भारी मात्रा में
छात्र का प्रदर्शन आज आज दोपहर के बाद से देखा गया है और यहाँ पर जितने भी है लगातार आंसू के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर हवा में भी आंसू के गोले के जो झाज है उस पे वो मिल रही है। तो पुलिस अभी लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और जितने भी प्रदर्शनकारी है उनको तीतर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए आगे चलती हुई नजर आ रही है। पुलिस के पास डंडे हैं क्योंकि कुछ देर पहले से ही पुलिस लाठियां बरसाई थी। तो जिस रास्ते से ये प्रदर्शनकारी आए थे पुलिस अब उस पर आगे बढ़ रही है और काफी दूर तक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। मनीष प्रसाद के पास हम चलेंगे, वहां भी पुलिस लाठी चलाती हुई सख्ती करती हुई दिखाई दी थी। मनीष प्रसाद, सौरभ, एक तरफ जहां पुलिसकर्मी हैं भीड़ को हटाना चाहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप उधर देखें तो हाथों में बोर्ड और बैनर लिए हुए वहां पे प्रदर्शनकारी हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अराजकता फैला रहे हैं कि पत्थरबाजी कर रहे हैं जिसकी वजह